बच्चों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9 के क्षितिज पाठ्यक्रम के काव्यखंड का अंतिम कविता बच्चे काम पे जा रहे हैं का कवि परिचय एवं उसके सारांश को जानेंगे। सर्वप्रथम हम कवि का परिचय जान लेते हैं। इस कविता के कवि हैं महान कवि श्री राजेश जोशी जी। इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। श्री राजेश जोशी जी का जन्म 18 जुलाई 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ है। उनकी शिक्षा एवं दीक्षा, श्री राजेश जोशी जी ने MSc एवं MA की डिग्रियां हासिल की थी। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया। पटकथा लेखन एवं अनुवाद लेखन, नाट्य रूपांतर के साथ ही साथ लघु फिल्मों के लिए उन्होंने पटकथा लेखन का भी कार्य किया। उन्होंने भरथरी की कविताओं का अनुवाद भूमि का कल्पतरु यह भी नाम से किए एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल के नाम से किए हैं। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी प्रमुख काव्य संग्रह, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, साहित्य साधना के लिए उन्हें शमशेर सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान, पहल सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान के साथ ही साथ केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भाषा बोध एवं दर्शन, उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ का समागम हुआ है। उनकी काव्य रचनाओं में आत्मीयता, लयात्मकता के साथ ही साथ मनुष्यता को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष भी मौजूद है। राजेश जोशी जी के काव्य में जितना दुनिया के नष्ट होने का खतरा दिखाई देता है, उतनी ही व्यग्रता जीवन की असीम संभावनाओं की खोज के प्रति दिखाई देती है। बच्चों, अब हम काम पे जा रहे हैं बच्चे कविता की समय, काल, परिस्थिति के साथ साथ इसका सारांश जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में राजेश जोशी जी आज की ज्वलंत समस्या बाल मजदूरी पर समाज एवं संसार से सवाल कर रहे हैं कि जब बच्चों की उम्र स्कूल एवं मदरसे जाने की है एवं खेलने एवं कूदने की है, तो आखिर उन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन में ही काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। उनके अनुसार यह बहुत ही खतरनाक एवं भयावह है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के बजाय काम पर जा रहे हैं, जबकि खेल के मैदान, आंगन, सारी खिलौने, किताबें मौजूद है,
फिर भी बच्चे काम पे जा रहे हैं। बच्चों की यह मजबूरी देखकर काफ़ी कवि परेशान हो जाता है। अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी एवं बाल श्रम पर अपना क्रोध व्यक्त किए हैं और वर्तमान समाज के लिए अभिशाप एवं खतरनाक बताए हैं, और इसीलिए समाज और सरकारों से इस ज्वलंत समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसके समाधान खोजने की बात कवि कहते हैं।